सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ ऋषि पाल। आज हम फिर पहुँचे हैं पूर धाम पे। आज एतवार का दिन है। जो भी यहाँ आवे सच्ची श्रद्धा से आवे, ईमानदारी से आवे और एक त्याग करके आवे। दोस्तों, हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है, आज फिर दोबारा बताते हैं झाड़े की ये क्या प्रक्रिया है, क्या इसका नियम है। झाड़ा जो है उसमें कोई टेबलेट नहीं है, न उसमें कोई इंजेक्शन है, केवल एक श्रद्धा है। जैसे हम मंदिर में जावा, मंदिर में हमारे को कुछ नहीं मिलता, केवल वहाँ पूजा पाठ करके आते हैं, हमारे को संतुष्टि है। ये संतुष्टि है, ये संतुष्टि आप कहीं भी कर सकते हो, माता पिता से कर सकते हो, बुज़ुर्ग आदमी से कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। तो मैंने फिर कहा, जो भी आए सच्ची श्रद्धा से आवे, ईमानदारी से आवे। अच्छा, कई भाई ये कह दें हमारा आराम नहीं हुआ। मालिक से ऊपर कोई नहीं है, मालिक सबके ऊपर है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल देगा। तो गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। दोस्तों, शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, गांजा सुल्पा छोड़ो, ये सब बुराई हैं, इस समाज को नष्ट करने वाली बीमारी हैं। इनको छोड़ दो और पवित्र धाम पे जा करो। कोई भी पवित्र धाम हो या, मेरे लिए सब आदरणीय है, मैं सबको नमन करता हूँ। आइए, इस धाम की आज फिर आपको सैर कराता हूँ। राम राम जी। क्या नाम है जी? पूनम गौतम। पूनम गौतम, कहाँ से आए हो? हैदराबाद। हैदराबाद तो यहाँ से 1800 किलोमीटर पड़ता है। बाई ट्रेन आए कि बाई एयर आए? बाई ट्रेन। बाई ट्रेन कितना टाइम लगा? 24 आवर्स। क्या परेशानी थी? ये है सर्वाइकल डिस्क और नसों में दर्द प्रॉब्लम है। कितने दिन से था जी ये परेशानी? ये परेशानी तो काफ़ी दिनों से है। आपको इस धाम के बारे में कैसा पता चला? यूट्यूब से देखे। यूट्यूब से चला? हाँ जी। यूट्यूब पर ऐसा तो नहीं हो को मेरे पर बका रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना देखते रहते हैं। आप तो देखते रहते हो, आपके हाँ, पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था हमको। और आपके साथ कौन है? मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड, उनके भी कोई परेशानी है? नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपको है? हाँ जी। क्या कार्य करते हो उधर हैदराबाद में आप? आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, आर्मी थे और रहने वाले भी हैदराबाद के? नहीं, हम दिल्ली के। दिल्ली के हो? हाँ। लेकर रहन बसेरा वहाँ हैदराबाद में करा? हैदराबाद में करा। तो कब कल आए थे? हम आए शुक्रवार को। शुक्रवार को आए हो? तो क्या झाड़े बोले साधवी ने? तीन बोले। हाँ, ठीक है। जैसे पहले आपने लगवाया एक, तो उसमें राम है? हाँ, राम है। ठीक है, इसी धाम से बने रही और भगवान आपको यहाँ से पूर्ण रूप से ठीक रख कर भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? राजवंती देवी। राजवंती देवी, कहाँ से आए हो? समयपुर बादली दिल्ली से। समयपुर बादली दिल्ली से। क्या परेशानी थी? जी, मेरा शुगर है और ये पैर में दर्द होता है। यहाँ पैर में फुल से कहाँ से दुखे होता है? यहाँ से, यहाँ पिंडी में दर्द होता है। रात को सोते टाइम भी कई बार हो जाता है, फिर सो कई बार हो जाता है। कितने दिन से परेशान हो? काफ़ी दिन से, मेरा दस साल का शुगर है। मेरा 10 साल से शुगर है। तो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते आप? डॉक्टर की दवाई खाती हूँ, देसी दवाई भी। डॉक्टर तो उससे कुछ आराम नहीं हुआ? हाँ, आराम है। आराम है। हाँ। फिर यहाँ साध्वी पर कैसे विश्वास हुआ आपका? फिर यो ना मेरा हस्बैंड यो यूट्यूब पर देखता रहता है। अच्छा। ये बोले चलो तो वहाँ झाड़ा लगवाया हूँ, सब लगवा जाते हैं। फिर इसके साथ आज ठीक है जी, आप सच्ची श्रद्धा से आइए। हाँ। और भगवान आपको पूर्ण रूप से ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? संदीप नाम। संदीप जी, थोड़ा जोर से बोल, कुछ खाया नहीं क्या? संदीप नाम। संदीप, कहाँ से आए हो? गोकुलपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? बहरी के पास। बहरी के पास। क्या परेशानी थी आपको? इसमें माता मुता आती है वो बनवा। इसमें माता आती है। क्या नाम है वे? मेरा नाम ममता। ममता, कितने दिन से परेशान है? तो आज तीसरी बार आई, चौथी बार आए हो? तो कई बार आ ली। कई बार आ ली। ईमानदारी से बताइए, कुछ आराम है यहाँ आने से? आराम से। आराम है, अब कोई परेशानी नहीं? ठीक है। क्या काम करते भाई साहब? फलदारी करते हैं। है? खुला काम करते हैं, फलदारी करते हैं। अच्छा, ठीक है। कपास। चलो, कोई भी काम करो, काम का कोई छोटा बड्डा नहीं होता। और इसी धाम से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है जी? केड़ा। पहली बार है दूसरी बार? तीसरी बार आए हो। क्या परेशानी थी? पैरों भी दर्द है, कड़ में भी दर्द है, निकालो भी है। जैसे पहले आपने दो झड़े लगवाए उनमें आराम है? थोड़ा आराम है। है आराम? चलो चाहे 1% आराम है। थोड़ा पैरों में है आराम। आपको कैसे पता चला इस धाम का? बस ये यूट्यूब पर देख लिया। और भी कोई आसपास की लुवाई है जिसने झाड़ा भी जिसका आराम हुआ? ना कोई आया ही नहीं थे। तो आप क्या कहोगे भाई साधु के बारे में? ठीक लाभ है, गलत लाभ है, क्या है? आराम आओ, वो तो ठीक है, देवता ही है। देवता ही है, बढ़िया काम करी है। काम तो बढ़िया ही करेगी कि माड़ा करेगा देवता के नाम पर। घरवारी क्या करता आपका? खेती बाड़ी। जमींदार है? ठीक है, इसी धाम से बने रहिए और भगवान आपको पूरे रूप से ठीक करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधु जी झाड़ा लगाते हुए क्या नाम है भाई साहब? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न? शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं? सुना ही शत्रुघ्न है। अभी कहाँ से आए हो? रोड सोनीपत से। रोड सोनीपत से? हाँ। कितने दिन से पियो हो? कम से कम नहीं है तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। शरीर इसको छोड़ना चाहो? हाँ जी। नुकसान बहुत कर लिया? नुकसान बहुत हो गया शरीर में भी, पैसे में भी। पैसे में? ठीक है मेरे भाई, छोड़ दे इस बुराई को। ठीक है। तो दिल कहेगा मैं छोड़ूंगा? हाँ, दिल कह रहा है कि छोड़। मत दिल कहे तो छोड़ दे देगा भी। सारे घर वाले भी खुश, आपसे रिश्तेदार भी खुश। ठीक है, ठीक है। तो इस धाम के बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में? इस धाम के बारे में क्या कहोगे? बढ़िया है, चार आदमी को बताएंगे भाई, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। इसी धाम से बना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये दिखाई हमने रूपरेखा पुर धाम की। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरा दून के साथ पुर धाम से। जय हिंद, वंदे मातरम।